तो सभी छात्रों का स्वागत है आपके हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे आप भी, क्योंकि पहले सुनील सर पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सुनील सर को, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है, कुछ घरेलू समस्या है उनके पास आ चुकी, जिस वजह से वो आपको आगे क्लास नहीं दे पाएंगे। लेकिन शुरू से मैं आपको हिंदी कवर कराऊंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। रीज़न था ये कि रीज़न ये था कि थोड़ा सा जल्दी आपको कराना है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम भी आपके आने वाले हैं। तो उनसे पहले पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपकी हिंदी कवर करा दूँ। उत्तराखंड हिस्ट्री मैं आप सभी को कवर करा रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी भी मैं आपको कवर कराऊँगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, ये मत सोचे कि आपका समय वेस्ट ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, टेंशन ना लें। 30-35 क्लासेज में आपकी समाप्त ही कर दूँगा मैं हिंदी। लंबी लंबी आपको क्लास मिलेगी और आपको मेहनत से पढ़ना है। इस बार इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि नोट्स अपने बनाने शुरू कर दीजिए और काफ़ी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ये चाहूँगा कि सुनील सर से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँ, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम हो वहाँ पर आप उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी में भी अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, हम आज से शुरू करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। कैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, हिंदी कहाँ से जन्मी, क्यों हिंदी का जन्म हुआ, क्या ज़रूरत थी हिंदी को पैदा करने की और क्या ज़रूरत थी हिंदी के विकास करने की। ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के साथ, बिना उसके शुरुआत शुरू करते हैं आज से आपका हिंदी ऑनलाइन कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास हिंदी की, और हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव की। ठीक है, उद्भव देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, क्यों इसका जन्म किया गया और इसकी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी एक भाषा है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आकृति इसकी मैं थोड़ा सा बता दूं, इसकी जो आकृति है वो व्योगात्मक है, व्योगात्मक और विशिष्ट प्रकार की इसकी आकृति। ठीक है, शायद अभी लास्ट ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी भाषा की आकृति कैसी है, तो आकृति अगर मैं बात करूं तो आकृति व्योगात्मक है और विशिष्ट प्रकार की इसकी अपनी एक आकृति है। ठीक है, किस परिवार की भाषा है मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, तो हिंदी भाषा भौरोपीय या भारोपीय प्रकार की भाषा है। ठीक है, इंडो इसे कहा जाता है, इंडो इरोनियन भाषा भी इसे कहा जाता है, और आर्य इसे इंडो भाषा भी कहते थे। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले इंडो इरोनियन भाषा कहा जाता था और किस परिवार की भाषा है, तो भौरोपीय परिवार की भाषा है, और भौरोपीय परिवार भाषा में मैं बात करूँगा राज्य की, अगर मैं बात करूँ देश की, तो देश में जो सबसे बड़ा परिवार है वो आपका भौरोपीय परिवार है। इसके अंतर्गत लगभग 73% भाषाएँ जो भारत में यूज़ की जाती है वो लगभग 73% भाषाएँ भौरोपीय परिवार की है। ठीक है, चार प्रमुख परिवार हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, भौरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी या तिब्बत। ठीक है, इनके नाम से इनके बारे में पता चल जाएगा। भौरोपीय यानी कि अधिकांश भारत में, ठीक है, अधिकांश भारत में 73%, थोड़ा सा ध्यान रखें, भौरोपीय अधिकांश भारत में, द्रविड़, द्रविड़ माने दक्षिण, दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनमें से अधिकांश आपके द्रविड़ परिवार से संबंधित है। थोड़ा सा ध्यान रखना, द्रविड़ परिवार दूसरे नंबर का परिवार है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रिक भाषा, इसका भी प्रकार है जो कि आपका सीमावर्ती जो राज्य होते हैं वहाँ पर इसका देखा जाता है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे चीनी या तिब्बती। ठीक है, चीनी या तिब्बती ये भी सीमाओं पर है, लेकिन यह केवल चीन जो सीमा है उसी पर, जो आसपास इलाके हैं, जो कबीले हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप दो चीज़ याद रखें, भौरोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है और 73% इसका यूजेबल है भाषा के क्षेत्र में। ठीक है, द्रविड़ परिवार सेकंड बड़ा परिवार है, दक्षिण भाषा इसमें आती है सारी, और 25% ये सहयोग करता है, यानी कि 25% भाषाएँ द्रविड़ परिवार की यूज़ की जाती है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप यहाँ पर आ गए, लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा नोट याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा, नोट करके लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा भाषा परिवार भी भौरोपीय है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए,
कि विश्व का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भी भोरोपी है और भारत का भी सबसे बड़ा परिवार भोरोपी है। इसी परिवार की एक छोटी सी भाषा में कहूँगा हिंदी है, क्योंकि हिंदी लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हिंदी कैसे बनी। अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी तक हमने देखा कि इसका परिवार किस परिवार से आती है और इसकी आकृति कैसी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हिंदी के जन्म की, कैसे हिंदी का जन्म होता है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर आर्य भाषा बोली जाती थी। ठीक है, इन्हें हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीन परिवारों में, या कह सकता हूँ कि तीन भागों में मैंने डिवाइड किया है भारतीय आर्य भाषा को। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भाषा की। ठीक है, प्राचीन भाषा वह भाषा है जिसमें कि जो हमारे संस्कृत का जितना भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे वो ग्रंथ हों, छंदांग हों, वेदांग हों, या जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन में आपकी आ गई वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टाइम के ऊपर कि किस टाइम से किस टाइम के बीच आपकी वैदिक संस्कृत है, किस टाइम से किस टाइम के बीच आपकी लौकिक संस्कृत है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत 1500 BC के आसपास, ठीक है, 1500 BC के आसपास इसका यूज़ होता था और इसमें जितने भी हमारे वेद हैं वो सभी लिखे गए हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, इनकी भाषा थोड़ा सा ध्यान रखना, जो वैदिक संस्कृत है इसे पढ़ना बहुत ही कठिन है, जो वेद लिख सकता है वही उसे खाली पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन इस वैदिक संस्कृत को अपनी भाषा में, वैदिक संस्कृत को अपनी भाषा में ढालने के लिए आर्य भाषा बनाई गई। कब? 500 BC के आसपास, लगभग 1000 साल लग गए वैदिक भाषा को लौकिक भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं आप समझेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सपोज कीजिए हम पहले ए था, ठीक है, ए को हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, हमने इसका ऐब लिख दिया। ठीक है, ए नहीं पढ़ पा रहे, ऐ बना दिया, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसी प्रकार से क्या है कि वैदिक संस्कृत पढ़ नहीं पाते थे, सिर्फ जिन्होंने वेद की रचना की है वही इस चीज़ को पढ़ पाते थे, जो लोकल वहाँ की मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से जो लोकल व्यक्ति थे वो इसे नहीं रीड कर पाते थे। उसके लिए क्या किया, आर्य भाषा बनाई गई, इसे कन्वर्ट करके आपका लौकिक संस्कृत कर दिया गया। ठीक है, टाइम इसका 1500 है, इसका आपका 500 BC है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए बात करेंगे जो आपके मध्यकालीन जो भाषा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो मध्यकालीन भाषा में दो भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी कि हिंदी से पहले पहले की जो भी भाषाएं हैं वो आपकी बीच ये वाले में यानी कि मध्य भाग में आती है। ठीक है, ये 500 बीसी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 बीसी से लेकर 1000 ईस्वी तक लगभग 1500 साल हमारे यहाँ पर किन भाषाओं ने राज किया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश वही है हिंदी भाषा की जननी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे आधुनिक भाषा के बारे में। आधुनिक भाषा के बारे में मैं आपको बताऊँ वर्तमान जने में जो चल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1000 AC से लेके अब तक का समय, यानी कि अगर आधुनिक भाषा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1000 ईस्वी यानी कि अपभ्रंश से लेके अब तक के समय को आधुनिक भाषा में रखा गया है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इस टाइम पीरियड में आती है। तो हिंदी, बांग्ला, उड़िया, सिंधी, बंगाली, मराठी, गुजराती, ये सभी जितनी भी भाषाएँ हैं ये वर्तमान समय की आधुनिक भाषाएँ हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा संवत में दे लेते, कहीं कहीं पर आ जाता है कि आधुनिक भाषा का समय कब है, तो 1157 संवत, संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर होता है। ठीक है, 57 साल का अंतर होता है आपका भाषा और सॉरी ईस्वी में और संवत में, हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हमने बात की थी मध्यकालीन की। मध्यकालीन में चार भाषाएँ आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवघट। ठीक है, ये एक दूसरे का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली किसका बिगड़ा हुआ रूप है, संस्कृत का। प्राकृत
आपका पाली का बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश आपका प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है, और अवहट आपका अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। ये रूप बिगाड़े क्यों गए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम कभी क्या करते हैं कि आप 10 व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, ठीक है, ये किसके कान में कुछ बोल देगा, इराम, वो धीरे से बोलेगा इसके कान में। वही बात अगर ये इसके कान में धीरे से बोल देगा, वही बात इसके कान में धीरे से बोल देगा ना, तो अगर इसने ए बोला होगा ना तो यहाँ बात आ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन भाषाओं का निर्माण होता है, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, नई नई चीज़ें आती रहती है, बदलाव शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हिंदी भाषा का मैं कह सकता हूँ कि विकास हुआ, यही हिंदी भाषा का विकास है, ऐसे आ बनना ही हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। हिंदी भाषा की आदि जननी, देखो दो चीज़ है, जननी और आदि जननी, एक तो जननी हो गया, एक होता है आदि जननी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आदि जननी, आदि माने पहले किस चीज़ से पैदा हुई है, तो वो कौन सी है, संस्कृत भाषा। मैं कह सकता हूं कि जो संस्कृत भाषा है वह हिंदी की आदि जननी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं खाली जननी की, खाली जननी वो कौन सी है, आपकी अपभ्रंश। क्या छोटा सा अंतर आ गया, आदि जननी बोलते हैं दादी जी को, आदि जननी मेरी जननी की भी जननी, देखो आदि जननी का मतलब होता है कि जिसने मुझे जन्मा उसकी भी जननी, और जननी जिसने मुझे पैदा किया, ठीक है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी और जननी के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी भाषा का किस तरीके से विकास हुआ, कैसे इसका उदाहरण हुआ, ठीक है। सबसे पहले भाषा थी संस्कृत, क्रम याद रख लीजिए, क्रम ये भाषा का क्रम है, नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए भाषा का क्रम। भाषा के क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किस भाषा से किस भाषा का निर्माण हुआ। संस्कृत से पाली भाषा का निर्माण हुआ, पाली से आपका प्राकृत का हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का हुआ, अपभ्रंश से अवहट का हुआ, उसके बाद प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। यहाँ तक सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। मोस्टली तीन चार याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये चार आप मोस्टली याद रखना। ये जो अवघट है और प्रारंभिक हिंदी, इसे आप अपनी ओर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु नदी से हुई है। अब सिंधु नदी से कैसे हुई मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जो ईरानी लोग थे वो सिंधी को हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंधी को हिंदी बोलते थे, क्योंकि वे सै की जगह है का यूज़ करते थे, सै की जगह है का यूज़ करते थे, और धै की जगह दै का यूज़ करते थे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है कि वे धै की जगह कह का यूज़ करते थे, दै का, और सै की जगह कह का यूज़ करते थे, है का। किसकी बात कर रहे हैं हम, ईरानियों की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ईरानियों की, ठीक है। तो सिंधी को बना दिया हिंदी, और सिंध देश को बना दिया क्या, हिंद देश, और सिंध भाषा को बना दिया गया क्या, हिंद भाषा, ठीक है। तो यहीं से जैसे हम कह देते हैं ना कि ये हरिद्वार वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हिंदी वाले हैं। इनकी भाषा कैसी है, इनकी भाषा हिंदी है, तो इस वजह इस तरीके से नाम पड़ जाता है हिंदी भाषा का, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, नाम किसने डाला, ईरानियों ने, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। नोट कर लेंगे इस चीज़ को, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, ठीक है। तीन भागों में हमने डिवाइड कर दिया गया भारतीय आर्य भाषा को या भारतीय भाषा को, प्राचीन में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। बात करें अगर मध्यकालीन की, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आधुनिक की, तो इसमें वर्तमान समय में जितनी भाषाएँ आती है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। पाली का समय थोड़ा सा ध्यान रखें, हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट को, ठीक है। पाली समय कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, UK 3SC, मैं आपको बताऊँ विकास वाले चैप्टर में से क्वेश्चन ज़बरदस्त उठा रहा है, ठीक है। तो तीन चीज़ आप याद रख लें, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तीनों का आपको टाइम अंतराल आप याद होना चाहिए, 500 BC से लेकर 1 ईस्वी, ठीक है। भारत की प्रथम देसी भाषा,
भारत की प्रथम देसी भाषा या भारत की पहली भाषा। क्यों? क्योंकि संस्कृत तो बाहर से आई थी, संस्कृत तो आर्य लेके आए थे, ठीक है। संस्कृत कौन लेके आए थे? आर्य। भारत की पहली जन्मी भाषा कौन सी है? वो है आपकी पाली, ठीक है। पाली का रूप बदल के कौन सी बन गई? प्राकृत। समय 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। महावीर ने इसमें उपदेश दिए और महावीर समय की भाषा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। पाली में बुद्ध जी ने इसमें उपदेश वगैरह दिए तो बुद्धकालीन भाषा को बोला जाता है पाली भाषा, ठीक है। अब भ्रंश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 500 AC से लेके 1000 AC तक, ठीक है। चलिए, तो इसे बोला जाता है हिंदी की जननी। स्वयं जो आपका स्वयंभू है, स्वयंभू को आदि कवि भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। अपभ्रंश को, अपभ्रंश भाषा का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का आदि कवि स्वयंभू जी को कहा जाता है। अवहट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अवहट 900 ईस्वी से लेकर 1200, कहीं कहीं पर 900 ईस्वी से लेकर 1175 भी लिखा होता है, ठीक है। तो जो आपको टाइम बताया जा रहा है, टाइम आपको अकॉर्डिंग टू NCERT के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। हिंदी भाषा की जननी के बारे में भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू के बारे में दो चीज़ याद रखें, एक तो आदि कवि अपभ्रंश भाषा का और दूसरा अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, ठीक है। चलिए, संस्कृत आदि जननी है और आपका हिंदी, ये अगर मैं बात करूँ अपभ्रंश की, जो जननी है, ठीक है। हिंदी हिंदी कैसे बनी, इसका क्रम क्या है, हमने आपको बता दिया, इसी को नोट कर लेंगे। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस देश से हुई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और किस परिवार की भाषा है, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खड़ी बोली की। खड़ी बोली के बारे में मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ, किसने इसका बारे में डिस्कस किया है, एक छोटी सी मैं कह सकता हूँ कि विकाम है, वर्णचल हिंदुस्तानी, जॉर्ज गिशन ने लिखी है इस बारे में, इन्होंने इसकी पुष्टि बारे में लिखा है खड़ी बोली के बारे में, ठीक है। चलिए, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ से है, हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। तो हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद देश के निवासी। जैसा मैंने आपको बताया, ईरानी क्या बोलते थे, ईरानी बोलते थे, सिंधी को क्या बोलते थे, हिंदी, तो बोलते क्या थे, हिंद देश के निवासी या हिंदी भाषा बोलने वाले, ठीक है। हिंदी हम, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, किसने बोला है, इकबाल ने बोला है, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। देखो मैं आपको बताऊं, जो नोट्स बना रखे हैं ना, तो उस टाइम पर जो क्वेश्चन आ गया, ये ग्रुप सी के दोनों क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको पहले से क्लियर करा दिए, ठीक है। ताकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स भी अगर आप रीड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाषा, उपभाषा और बोली के बारे में। क्या होती है भाषा, क्या होती है उपभाषा और क्या होती है आपकी बोली, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यह एक स्तंभ है, यह क्या है, यह आपकी है बोली। बोली से बनती है उपभाषा और उपभाषाएं मिलके क्या बनाती है, भाषा, ठीक है। तो बोली से क्या मिलेगी, उपभाषा, उपभाषा मिलके बनाएगी भाषा को, ठीक है। अब पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं। अगर मैं बात करूं बोलियों की, तो कुल 17 बोली है, 5 आपकी उपभाषाएं हैं, और इन उपभाषाओं में, इन 5 उपभाषाओं में आपकी 17 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं, 17 बोलियां। और अगर मैं बात करूं वन रक्षक परीक्षा की, वन रक्षक परीक्षाओं में पहली और दूसरी शिफ्ट में इन उपभाषाओं से, इन उपबोलियों से ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं उपभाषा के बारे में कि कितनी उपभाषा हैं, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, उपभाषाएं में कौन कौन सी बोली आती है और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ट्रिक से याद करेंगे, जल्दी याद करेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में इन इस छोटे से चार्ट में से
इस छोटी से चार्ट में से वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस छोटे से पेपर में से। ठीक है, तो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे हम बोली उपबोली उपभाषा और भाषा के बारे में।